ब्रेन में सेरोटोनिन लेवल कम होने से डिप्रेशन होता है, ऐसा अक्सर बोला जाता है और ऐसा साइंस बोलता है। तो उसके लिए क्या काउंटर करें, बिना दवाई का भी डिप्रेशन कैसा अच्छा हो सकता है, उसके बारे में भी जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बारे में आपसे मैं आज बात करने वाला हूँ। तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन के काफ़ी लोग हमारे पास में आते रहते हैं और उनको हम एंटी डिप्रेशन की दवाई देते हैं कि सेरोटोनिन लेवल आपकी कम हो गई, ये दवाई ले लो, इससे सेरोटोनिन लेवल दिमाग की आपकी बढ़ जाएंगी और आपका डिप्रेशन अच्छा हो जाएगा। देखो, सेरोटोनिन लेवल कम हो गई मतलब केमिकल इम्बैलेंस हो गया, तो उससे भावनाओं के ऊपर असर पड़ता है और डिप्रेशन आ जाता है। अब थ्योरी उल्टी है, समझो उल्टा किया तो, कि भाई भावना यदि हमने हमारी अच्छी कर ली, हमको जो भावना उदासीनता की है, नर्वसनेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो हमने हमारा अच्छा कर लिया, तो फिर क्या सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएंगी? यदि सेरोटोनिन लेवल बढ़ने से भावना दुखी होती है, मतलब दुख की भावना आती है, अभी भावना हमने सुख की लाया या हैप्पीनेस की लाया, एन्जॉयमेंट की लाया, तो क्या डिप्रेशन ठीक हो जाएगा? हो सकता है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम जैसा देख रहे हैं कि यदि सेरोटोनिन लेवल कम है तो सेरोटोनिन लेवल एक तो बातचीत करके, विचारों का बीजारोपण करके, पॉजिटिव सकारात्मक विचारों का बीजारोपण करके, हमारा जो सोच विचार जो है वो कैसा गलत है, वो कैसा इरेशनल है, रैशनल थिंकिंग क्या है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या हिप्नोथेरेपी, ये माध्यम से हम हमारे विचारों के ऊपर या पेशेंट के विचारों के ऊपर हम कैसा बदल ला सकते हैं, विचारों के ऊपर बदल ला के हम भावनाओं के ऊपर कैसा बदल ला सकते हैं, और वो यदि हम करते हैं तो सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगी और वह व्यक्ति डिप्रेशन मुक्त हो जाएगा। तो ये एक है, और दूसरा ये है कि फिर ये हम खुद को एक्साइट करके, समझो हम दो चार कूद मारते हैं, जंप करते हैं, थोड़ा सा खुशी मनाते हैं, नहीं है तभी ऐसा बोला जाता है कि फेक इट टिल यू मेक इट, हम खुशियाँ मनाते हैं, है ना, सिटी मारते हैं, खुश नहीं है तभी भी खुश है ऐसा बताते हैं, खुश विचार हमारे दिमाग में लाते हैं, तो हो सकता है कि डिप्रेशन अच्छा हो जाएगा, कि उससे सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ यदि हम साक्षी भाव से यदि हम हमारे विचार देखते रहते हैं, मतलब हम सम्मोहन की अवस्था में बैठे हैं, सेल्फ हिप्नोसिस है, पूरा ध्यान हमने हमारे विचारों के ऊपर रखा हुआ है, आंखें बंद रिलैक्स बैठे हुए, और विचारों के ऊपर हम ध्यान रखते हैं कि कैसे विचार है, कौन से विचार आ रहे हैं, और विचारों से अफेक्ट ना होते हुए, उसका परिणाम अपने ऊपर ना करते हुए, वो विचार है, वो ना अच्छे विचार है ना बुरे विचार है, ना दुख के विचार है ना सुख के विचार है, ना क्लेश के विचार है या टेंशन के विचार है, ऐसा उसकी तरफ न देखते हैं। साक्षी भाव से अपने विचारों को देखना, साक्षी भाव से अपने मूड को देखना, यदि हम करते रहे तो नेचुरली वो विचार स्थिर हो जाएगी। एक बार विचार स्थिर हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, जो विचारों का जो निगेटिविटी जो भरते जाती दिमाग में, उससे जो इमोशंस निगेटिव आते हैं, तो विचार यदि स्थिर हो गए, हम अपने विचारों को देख सके, हम हमारे इमोशंस को देख सके साक्षी भाव से, और उसके साथ साथ फिर पॉजिटिविटी अंदर डालते गए, तो डेफिनेटली डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो माइंडफुलनेस में भी यही कहा जाता है, मेडिटेशन हम करते हैं तो उसमें भी ये संभव है, सेल्फ हिप्नोसिस में ये संभव है, यदि हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली बिना दवाई का भी डिप्रेशन अच्छा हो सकता है, यह संभावना है। उसके साथ साथ यदि हम एंटी डिप्रेशन गोली लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, एंटी डिप्रेशन गोली ले लो, साक्षी भाव से अपने थॉट्स को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो, कोई भावना अच्छी नहीं, कोई बुरी नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई असत्य नहीं है, जस्ट बीइंग प्रेजेंट, वर्तमान को प्रेजेंट होना, वर्तमान मतलब एक क्षण, वो क्षण को प्रेजेंट होना, ये क्षण को ना मैं अच्छा हूँ ना बुरा हूँ, ना विचार अच्छे हैं ना बुरे हैं, ना खुशी है ना गम है, जो भी हो रहा है वो अभी हो रहा है, ज़िंदगी अभी हो रही है, ऐसा यदि मैं विचारों को प्रेजेंट हो जाता हूँ, प्रस्तुत हो जाता हूँ, तो डेफिनेटली मेरी उदासीनता कम हो जाएगी और बिना दवाई का डिप्रेशन अच्छा हो जाएगा। तो ज़रूर ये कोशिश करो, और आपकी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में नीचे डालो। आपको जो भी वीडियो चाहिए तो मैं इसके बाद में आप जो चाहोगे वो वीडियो में बनाते रहूँगा।
हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।